हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में, जिसमें कि आज मेरे साथ है विनोद जी, जो कि ओटी टेक्नीशियन है स्क्रबिंग साइड एज वेल एज एनेस्थीसिया साइड पे, और इनको 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस लाइन में। तो आज की वीडियो इनके साथ हम रखने वाले हैं, और क्योंकि आपको पता है मैं तो लेटेस्ट ही, मतलब 2 इयर्स ही हुए, मुझे तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो विनोद जी को तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये आपको आज की वीडियो में काफी डिटेल्स से बताएंगे ओटी के बारे में, और कुछ एक केस होने वाला है हमारा, तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे उसकी प्रिपरेशन हम करते हैं और कैसे ओटी में हम स्टाइल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नितिन, और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा आज हमारा केस होने वाला है डीएनसी का, तो उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं विनोद जी से, ये आपको कुछ बताएंगे अपने बारे में, और ये बताएंगे कि ये कब से कैसे कर रहे हैं और कैसा इनको लगता है इस लाइन में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, एमडी सिटी हॉस्पिटल नॉर्थ एक्स मॉडल टाउन दिल्ली। मैं यहाँ पर ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट पर काम करता हूँ, 10 से 15 ईयर्स हो गए हैं। और आज हम आपको बताएंगे डीएनसी ट्रॉली कैसे लगाते हैं स्ट्राल तरीके से। और चलो स्क्रब करेंगे। हाँ, तो डीएनसी ट्रॉली लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने हैंड स्क्रब करने पड़ेंगे, हैंड वॉश करने पड़ेंगे अच्छे से, जिसे कहते हैं, क्योंकि वो होती है स्टाइल में। क्योंकि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, हम पेशेंट की बॉडी में एंटर करने से पहले अपने आप को स्टाइल करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ताकि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्क्रबिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे स्क्रबिंग कैसे करते हैं, देन हम अपनी ट्रॉली रेडी करेंगे। चलिए, ये देखिए मैं डिकंटामिनेशन सॉल्यूशन है, ये लेंगे और इसको हमने ये लेफ्ट हैंड की फिंगर को राइट हथेली पे 5 से 10 सेकंड तक डिप करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होता है डीकंटामिनेशन, जो नाखून के अंदर कोई गंदगी है वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से करते हुए यहां तक एल्बो तक आएंगे। फिर उसके बाद हम लेफ्ट हैंड में डीकंटामिनेशन। देखो एक चीज, देखो विनोद जी की ट्रिक देखो लेने की, तो ये होती है ट्रिक। अभी आपने वो पाम से ले लिया तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। फिर क्योंकि इसको हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को रब करते हुए एल्बो तक आएंगे। ठीक है, फिर हम ये हमको बैक नहीं जाना होता है। यहाँ पे ही ये खत्म हो जाता है, मतलब ये हाथ हम ऊपर को नहीं ले जाएंगे। अब वॉश करते हुए जैसे इन्होंने ऊपर से नीचे को रब करते हुए, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वो दोबारा इंस्टाइल हो जाएगा, है ना। ये पाम टू पाम ये रब करेंगे ऐसे अच्छे से 5 से 10 सेकंड तक, और उसके बाद हम ये फिंगर्स को क्लीन करेंगे 5 से 10 सेकंड तक लेफ्ट हैंड को। फिर इसी तरह से हम राइट को भी करेंगे, और फिर ये हम थंब रोल है, ये हमारे थंब रोल, ये जैसे गंदगी होती है तो इसको भी हम अच्छे से रब करेंगे ऐसे ही। सेकंड हैंड को भी ऐसे रब करना है। फिर ये हमारे जो फिंगर टिप्स हैं, इसको भी क्लीन करना है, इसको भी अच्छे से क्लीन करना है ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, इसको पूरे हैंड को ऐसे रोल करते हुए नीचे तक आ जाएंगे, एल्बो तक जाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड को भी रोल करते हुए नीचे तक आएंगे। फिर उसके बाद हम अपने हैंड वॉश करेंगे वाटर से। तो जिसमें वाटर सिस्टम होता है ये भी अनटचेबल होता है, क्योंकि अगर हम वाटर टैप को भी टच करेंगे तो उसमें भी तो इन्फेक्शन है, तो इसलिए अनटचेबल वाटर वो होता है ओटी में कभी भी, जिसमें डायरेक्ट आप उसके नीचे हाथ रखो तो पानी आ जाए। तो देखो कुछ इस तरह से वॉश करना है, अप टू डाउन, ऊपर से, मतलब कभी भी उल्टे हाथ को, जैसे हम नॉर्मली ऐसे वॉश करते हैं हाथों, तो ऐसे नहीं करना है कभी भी, ऐसे करना है हैंड को वॉश, ताकि यहां से पानी आए नीचे को एल्बो तक, ताकि अनस्टाइल ना हो ऊपर का एरिया, क्योंकि मेन काम हमारा इस चीज से होना है, फिंगर से होना है हैंड से होना है, तो इसलिए ये पूरी टोटली स्टाइल लेनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा विनोद जी ने अपनी फिंगर नेल्स से लेके एक एक फिंगर टोटली थंब एल्बो सब कुछ अच्छे से स्टाइल करा है, तो ये करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब ये देखो एक चीज, अब पोजीशन विनोद जी की ऐसी रहेगी, हैंड को या ऊपर को करके रखेंगे, तो विनोद जी बताइए ये ऊपर को ऐसे क्यों करके रखा है? ऊपर हम इसलिए रखते हैं कि अगर हम इसको अपने हैंड को नीचे रखेंगे तो जो एल्बो का पानी है वो हमारे इधर नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा, तो हमारे दोबारा से अनस्टाइल हो जाएगा, अनस्टाइल हो जाएंगे, इस वजह से हम इसको
ऐसे ही जाते हैं। हाँ। और हाथ जोड़ के हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हम मोटी को मंदिर मानते हैं, हम अपना ही मंदिर होता है एक तरह से, इसलिए हम इसी पोजीशन में जाते हैं। तो दो कारण है, एक तो अनस्टाइल ना हो, दूसरा ओटी हमारी मंदिर है, तो इसलिए हम कुछ इस तरह से हाथ जोड़ के ओटी के अंदर एंटर करते हैं कभी भी स्टाइल होने के बाद। तो चलिए अब ओटी में एंटर करते हैं और अब ट्रॉली की तैयारी करते हैं। तो सारा इंस्ट्रूमेंट हमें मैं इनको एक एक करके दूंगा और फिर ये अपना सेट रेडी करेंगे हमारा जो केस होने वाला है। तो सबसे पहले विनोद जी क्या दूं, ग्लव्स? नहीं, सबसे पहले आप गाउन। गाउन दूं आपको? गाउन ये सेट खोलोगे तो ये सेट है हमारा, सेट है ये, डीएनसी सेट है, हमने इसे पूरा स्टाइल करा हुआ है, ये टैग्स लगे हुए इसमें स्टाइल के, स्टाइल करा हुआ है। अब मैं इसे ओपन करूंगा कुछ इस तरीके से बिना हैंड लगाए, मतलब जो अंदर इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। लाइक जैसे मैं ऊपर का कवर ओपन करूंगा, जस्ट ये मैंने ऊपर का कवर ओपन करा बस। अब मैं ये जो अंदर का पार्ट है इसमें कभी हाथ नहीं लगाना होता, बार बार से ये कवर को ओपन करा। अब विनोद जी लेंगे इसमें से गाउन, इस तरह से। अब ये गाउन पहनने की ट्रिक है, देखिए कहीं भी टच नहीं होना। और सेकंड, फिर अब पीछे से ये बांध तो पाएंगे नहीं खुद, तो पीछे से बांधूंगा मैं, वो भी कुछ इस तरीके से। देखिए ये अंदर से हाथ डालना होता चीजों में, लाइक अंदर से अनस्टाइल हो, बाहर से कोई भी चीज अनस्टाइल नहीं रहनी चाहिए। तो एक सेकंड मैं गाउन बांध देता हूँ, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा अगेन। तो मैंने गाउन कुछ इस तरीके से बांध दिया है। अब मैं लाया हूँ ग्लव्स, तो ग्लव्स मैटर करता है सर्जन के साइज पे कि कितने नंबर का। तो मैं विनोद जी के लिए लाया हूँ 8 नंबर का ग्लव्स। अब तो मैं ग्लव्स इन्हें ओपन करके दूंगा, ये खुद हैंड नहीं लगाएंगे, तो ओपन करने की ट्रिक होती है, बट मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी क्योंकि मेरे हाथ पे कैमरा है। तो मैं ओपन करके नहीं देता हूँ, ये आपको पहनने की ट्रिक दिखाएंगे। तो अब देखो मैं ग्लव्स को कुछ इस तरह के दूंगा जाकि इनका पैकेट पर हाथ टच ना हो। अभी मैं प्रॉपर दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मेरे को ग्लव्स के अंदर की चीज भी हाथ टच नहीं करनी क्योंकि वो स्टाइल है। अब इनकी ग्लव्स पहनने की ट्रिक देखना। देखो ये ग्लव्स है, ये कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे, जो बाहर का एरिया होगा कभी भी ग्लव्स देखो फोल्ड में आता है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से पहनेंगे, ये टच नहीं करेंगे इसको, मतलब प्रॉपरली फिंगर से एरिया को, ताकि ग्लव खराब ना हो दूसरे हाथ से, प्रॉपरली इसे पहनेंगे। ये देखिए ये पहना, देखिए नॉन टच टेक्निक से, नॉन टच टेक्निक बिना मतलब कि अनस्टाइल चीजों को हाथ लगाए बिना ग्लव्स पहने विनोद जी ने। तो ये ट्रिक होती है ग्लव्स पहनने की, क्योंकि अनस्टाइल चीजें नहीं रखनी है ऊटी में बिल्कुल। अनस्टाइल मतलब तो जानते ही होंगे ना कि मतलब गंदगी या आउटर एरिया के कोई भी पार्ट्स नहीं छूने होते, सब कुछ स्टाइल होते हैं, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं सब स्टाइल होते हैं। तो ये होती है देखो हमारी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली जिसपे हम अपने इंस्ट्रूमेंट रखते हैं। तो ये तो देखो ये एरिया भी अनस्टाइल है, ठीक है, बट हमारे पास पड़ी है स्टाइल सीटें। अब हम ये स्टाइल शीट को विनोद जी को देंगे निकाल कर। ये देखो ये शीटें हैं स्टाइल, इसका प्रूफ है ये टैग्स, ये होता है टैग, जब हम ऑटो क्लेव करते हैं तो ऐसी लाइंस आ जाती है इसमें ब्लैक ब्लैक। अब ये मेरे हाथ तो स्टाइल है बट मैं इसे ओपन करके दूंगा बस, इन्हें विनोद जी स्टाइल है तो ये स्टाइल शीट से स्टाइल शीट निकालेंगे, ठीक है। अभी शीट निकाल के ट्रॉली को स्टाइल बनाएंगे ऊपर से, क्योंकि अभी तो ट्रॉली में लेके आया हूं, हाथ से आपने देखा ही होगा, तो यानी स्टाइल है। तो अब जैसे इस पे स्टाइल शीट कवर हो जाएगी तो ये ट्रॉली भी स्टाइल हो जाएगी टोटली। ये देखिए अब ये ट्रॉली हो चुकी है स्टाइल। अब मैं इसे हैंड टच नहीं कर सकता, पहले जैसे मैं टच कर रहा था अब नहीं कर सकता। अब ये इंस्ट्रूमेंट सेट है, अब ये इस पे रखेंगे और इसे एज अ यूज, जो जो चीज का यूज होना है जैसे जैसे वो इसमें सजाएंगे एक तरह से, कि पहले ये इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, फिर ये लगेंगे, फिर ये लगेंगे, फिर ये लगेंगे। तो अभी एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट को सजाएंगे। तो अब ये हमें बताएंगे कि कैसे डीएनसी होती है और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। तो बताइए विनोद जी कैसे डीएनसी होती है। तो अभी हमें सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएंगे एक करके। तो विनोद जी ये क्या है जो आपके हाथ पे? ये होता है स्पेकुलम। स्पेकुलम इसे हम बोलते हैं स्पेकुलम, इसको क्या करते हैं बजाना को नीचे से रिट्रैक्ट करते, ठीक है, एक तरह से रिट्रैक्टर है ये, है ठीक है। ये बड़ा रिट्रैक्टर है, स्पेकुलम ये छोटा है। अच्छा, मतलब साइज भी होते हैं, जाकि किसी को बेबी हो, कोई बड़ा हो, या जिस तरह से एज होती है उस तरह से हम यूज करते हैं, उस हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम इसके बाद ये क्यूरेट होते हैं, ठीक है, होते हैं जिससे कि कोई अंदर मटेरियल है उसको इससे सफाई करते हैं। एक तरह से डीएनसी जो होता है ये अबॉर्शन ही होता, लाइक है मिस अबॉर्शन, लाइक किसी का बेबी खराब हो गया तो उसको हम उसकी सफाई करते हैं, एक्सरे से अबॉर्शन करते हैं, उसको जो अंदर कचरा रह जाता है उसको हम बाहर
निकाल, जैसे जो पीस रह जाते हैं छोटे मोटे, लाइक अगर ये हम पीस नहीं निकालेंगे तो क्या है पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड प्रॉब्लम और इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा अंदर से और सारी प्रॉब्लम एक्चुअली की भी कम हो जाएगी, ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या दिखाने वाले हैं? ये देखिए एक वैष्णव होता है। ठीक, ये वैष्णव होता है, ये भी डीएनसी करने का काम आता है, जैसे कोई ऊपर जैसे टिश्यू को पकड़ना है। ठीक है, टिश्यू को ऊपर होल्ड करके रखते हैं जी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये डायलेटर सेट होता है, ये सारे साइज के होते हैं, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो भी है साइज के साथ, जैसा पेशेंट है वैसा साइज उसके अंदर डालते हैं। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के 2-3 साइज होते हैं, क्योंकि क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड है पेशेंट किस साइज का, मोटा है पतला है। ओके, और ये हमारा एक होता है ओबम फोस्टर होता है, ये रीजन दिखाएंगे आपको। देखिए ये है ओवम फोर्सर, ये डीएनसी साइड में इसका होना बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं ओवम फोर्सर। ओके, ये दो बॉल होती हैं, इसमें क्या एक में एनएस और ये एक में बीटाडीन और एनएस, जाके क्लीनिंग वगैरह हम कर सके। ठीक है, ये गौज का सेट है, गौज का बंडल है, कट शीट है, ये बैंडेज है, सारी चीजें रहती हैं। और एक चीज और, हम सारी चीज मेंशन भी करते हैं, पेशेंट नेम, एमआरडी नंबर, सर्जन कौन है, कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, कितने गौज पीस हमने रखे हैं, कितनी नीडल हैं, कितना टाइम है, सब कुछ हम मेंशन करते हैं, क्योंकि पता नहीं पेशेंट के अंदर ना रह जाए, या क्योंकि बड़ी बड़ी सर्जरी में पेशेंट के अंदर रह जाते, काफी केसेस में होता है, तो इसलिए सब कुछ मेंशन रहता है। वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर बोलते हैं इसको। अच्छा, ये वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, ये भी इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी होता है, कोई अंदर जैसे बड़ा पीस है तो उसको बाहर निकालते हैं इससे हम। ठीक है, रिट्रैक्टिव के काम भी आता है। ठीक, तो बस ये हमारा आलिज फोर्सेप होते हैं, ये एक स्पंज होल्डर है, सबसे पहले ये लेंगे स्पंज होल्डर। ये स्पंज होल्डर इसलिए काम आता है, जैसे पेशेंट को क्लीन करना है, शुरुआत में क्या करेंगे पेशेंट को बीटाडीन या एनएस जो भी एक सॉल्यूशन होता है उससे हम क्लीन करेंगे, बिना टच करें, बिना टच किए, इसीलिए काम आता है। okay. फिर उसके बाद हम बीटाडीन लेंगे, इस कटोरी में एक एनएस लेंगे एक हम बीटाडीन लेंगे, दोनों से पहले एनएस से साफ करेंगे, फिर उसके बाद बीटाडीन से क्लीन करके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कट सीट होती है, कट सीट, ये आप पूरा प्रोसेस बता रहे हो मेरे को डीएनसी कैसे। ठीक, कट सीट है, इसमें एक हॉल होता है वो पेशेंट के ऊपर डालते हैं, मतलब उसी एरिया को छोड़ के बाकी पूरी एरिया कवर कर देते हैं, कवर कर देते। ठीक है, और दो लेगिन होती हैं, वो इसके अंदर ड्रम के हैं, ड्रम के अंदर है लेगिंस। ये लेगिंस, ये लेगिंस होते हैं जो कि पोजीशन बनाते हैं तो पेशेंट के लेग्स में डाल देते हैं, लेग्स में डाल, जाकि हम पेशेंट के लेग से टच हो तो वो अनस्टाइल ना हो हम। ठीक है, ये हम उसको डालते, तो फिर लैग इन के बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है? के बाद फिर हमारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, वैसे कुछ शॉर्ट में बताइए। प्रोसीजर में हम जैसे डीएनसी की फुल फॉर्म होती है डायलेसेशन एंड क्यूरेटाइज। ठीक है, तो जो अंदर को हम डायलेट कर देते हैं, ये हमारे डायलेटर होते हैं, पहले से हम इसको डायलेटर करेंगे, किस साइज का डायलेटर उसमें जाता है, 7 नंबर है 6 नंबर है जो भी अंदर जाएगा उस साइज का हम उसमें डायलेटर लगाएंगे। फिर उसके बाद एक कैनुला होते हैं, एमटीपी कैनुला जी, जो हम बोलते हैं कार्बन कैनुला, कार्बन कैनुला, उसको हम एक सेक्शन मशीन होती है, वो हमारी सेक्शन मशीन है, ये रही हमारी सेक्शन मशीन, जिसका यूज मैंने आपको बताया कि अंदर से फॉरेन पार्टिकल्स को ये खींचती है अपनी ओर, हमारी सेक्शन मशीन है, इलेक्ट्रिक सेक्शन मशीन होती है ये, और एक और होती है ये हमारी ये जार वाली है, दो तरह की सेक्शन जी है, ये हमारी डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, और इसमें हमें एक ये सेक्शन ट्यूब लगी होती है, उसी के अंदर हम कार्बन कैनुला अटैच करते हैं जी, और उस कार्बन कैनुला को अटैच करते हैं हम, पे जो भी डस्ट अंदर होता है या जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है यूट्रस के अंदर डालते हैं, उसको खींच लेते हैं, यूट्रस के अंदर डालेंगे तो उसको एक दो बार हम सक करेंगे, जो भी कचरा होगा पीस होगा गंदा ब्लड होगा सब सेक्शन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डीएनसी का प्रोसीजर है, ये सब डीएनसी इंस्ट्रूमेंट है जो डीएनसी में सेट में यूज होते हैं, आप देख लीजिए, आपको कभी सेट करनी हो ट्रॉली तो आप इस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं, और बाकी आपको शॉर्ट में इन्होंने बताया कि डीएनसी कैसे होती है और क्यों होती है, ये भी रीजन थोड़ा सा दे दो तो आप अच्छा रहेगा।
लाइक किसी का बेबी मिसक्रेज हो जाता है राइट, तभी यू यूज किसी जैसे किसी का 2 मंथ 3 मंथ का बेबी है मिसक्रेज हो गया तो ऐसे पेशेंट में डीएनसी होती है करते हैं। तो आज विनोद जी ने काफी अच्छी हमें चीज बताई है डीएनसी की और ये ट्रॉली की नॉलेज दी है, एक तरह से सर्जिकल साइड की नॉलेज दी है जो कि मुझे भी पूरी अच्छे से नहीं है, शॉर्ट में है बिल्कुल 1% की, और विनोद जी को तो पूरी 100% है। ये हमारे यहाँ पे सारे केसेस में यही स्क्रब होते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे स्क्रबिंग साइड टेक्नीशियन है। हाँ, तो आज के केस आज इन्होंने बताया हमें कि डीएनसी कैसे होती है सबसे अच्छे तरीके से। तो विनोद जी का चैनल, विनोद जी भी चैनल बनाने वाले हैं तो इनके चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मैं लिंक डालूंगा वहां से आप इनके चैनल पे भी जाके वीडियो देख सकते हैं, और ये और भी सारी वीडियो आप बनाएंगे मेरे साथ काफी सारी, तो इनको भी सपोर्ट करना मेरे साथ। और आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा आपको मैं कि डीएनसी साइट के बारे में हमने रखा, सारी चीजें बताई, और एक चीज आपने फोकस की होगी कि विनोद जी ने हाथ कहीं गलत जगह पे टच नहीं किया अभी तक, गलत इन द सेंस मतलब अनस्टाइल चीजों पे अभी तक भी टच नहीं किए, जैसे हम लोग हैं कहीं भी टच करते रहते हैं, लेकिन इस लाइन में आने के बाद हाथों का बड़ा ध्यान रखना होता है, कहीं भी हाथ टच नहीं करने होते। देखो इन्होंने बस सर्जिकल जो मतलब स्टाइल एरिया है उसी को टच कर रहे हैं और किसी चीज को टच नहीं कर रहे हैं। तो थैंक यू विनोद जी, आज आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी है इन सबको, बाकी आगे भी आप ऐसी देते रहें यही उम्मीद आपसे रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी स्क्रबिंग साइड की वीडियो हम बनाएंगे।